नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। आज खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज, बारिश से मिलेगी राहत। राज्य में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम खुलने लगा है। उत्तराखंड में बीते दिनों लगातार हुई बारिश ने राज्य में भारी तबाही मचाई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आपके शहर में जाने क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 59 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 13 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 67 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 33 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 99 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 64 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 101 रुपए 82 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 95 रुपए 48 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पौड़ी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी दौरे पर रहेंगे। विकास भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ आपदा से हुए नुकसान पर बैठक करेंगे। विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। लखमा पास से एसडीआरएफ चलाएगी रेस्क्यू अभियान। उत्तरकाशी हिमाचल बॉर्डर पर बुधवार को 8 ट्रैकर और 3 पोर्टर लापता हो गए थे। रेस्क्यू टीम को इलाके में आज 5 शव दिखे हैं। 1 ट्रैकर मिथुन को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं शवों को लाने के लिए शुक्रवार को एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। सुंदर ढूंगा घाटी में लापता पर्यटकों का रेस्क्यू। बागेश्वर के सुंदर ढूंगा घाटी में ट्रैकिंग पर गए 4 पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं कफनी ग्लेशियर में ट्रैकिंग के लिए गए 20 पर्यटक लापता होने की सूचना है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल की माने तो रेस्क्यू टीम भेज दी गई है। आज रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे हरदा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज से 3 दिन के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। आज से होगी बोर्ड की पुनः परीक्षा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राओं को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया था। 11 विद्यार्थियों ने दोबारा परीक्षा देने के लिए आवेदन दिया था। इसमें 10वीं के 5 विद्यार्थी और 12वीं के 6 विद्यार्थी शामिल थे। इसमें से 3 विद्यार्थियों ने परीक्षा देने के लिए आवेदन वापस ले लिया है। वहीं अब कुल 8 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनकी परीक्षा 22 से 28 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 3 विद्यार्थी हाई स्कूल के और 5 विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। बियर ग्रिल्स के साथ आज अजय देवगन का रोमांचक सफर। बियर ग्रिल्स के एडवेंचर शो इनटू द वाइल्ड में अभिनेता अजय देवगन नजर आएंगे। इस शो में उनके हिस्सा लेने को लेकर काफी समय से चर्चा, जिसके बाद से अजय देवगन के फैंस बियर ग्रिल्स के साथ उनका एडवेंचर अवतार देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। एक्शन स्टार अजय देवगन को खतरों के खिलाड़ी बियर ग्रिल्स के साथ शो में देखा जा सकेगा। आज अजय देवगन और बियर ग्रिल्स से जुड़ा इनटू द वाइल्ड एपिसोड 22 अक्टूबर यानी आज रिलीज होगा। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमाघर। कठोर नियम शर्तों के साथ ठाकरे सरकार ने 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और नाट्यगृह खोलने की अनुमति दी है। दर्शकों के लिए मास्क, टीके की दोनों खुराकें और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन यानी सेफ जोन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों में सिनेमाघर बंद रहेंगे। गुजरात में सेवा सेतु कार्यक्रम का 7वां चरण होगा आयोजित। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के लोगों जीवनावश्यक समस्याओं के निराकरण के लिए गति को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य स्तर पर सेवा सेतु कार्यक्रम का 7वां चरण आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य में इसके अंतर्गत 22 अक्टूबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक 2500 सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चमोली के मैठाना गाँव में फटा रसोई गैस सिलेंडर, 6 लोग झुलसे। दशोली ब्लॉक के मैठाना गांव में रसोई गैस सिलेंडर के फटने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस कर घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया। वहीं घायलों को पुलिस और ग्रामीणों द्वारा 108 की मदद से जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। 3 दिन बाद नीला पानी तक खुली भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली सड़क।
18 अक्टूबर को उत्तरकाशी जनपद में हुई मूसलाधार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के 3 दिन बाद मौसम खुलने से हालात सामान्य होने लगे हैं। भारी बर्फबारी के चलते बंद भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली भैरव घाटी से नीला पानी तक की करीब 45 किलोमीटर लंबी सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया। सड़क खुलने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अग्रिम चौकियों पर सेना और आईटीबीपी को राहत मिलेगी। आपदाग्रस्त इलाकों में ना हो गैस और ईंधन की कमी, महाराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित इलाकों में गैस और ईंधन आदि की सप्लाई दुरुस्त करने को कहा है। साथ ही लापता ट्रैकर और पर्यटकों के सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष, लोगों ने सुनाई खरी खोटी। दैवीय आपदा के चलते नैनीताल जनपद के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण गौला नदी उफान पर है। गौला नदी के पानी से आसपास के लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बिंदु खत्ता के आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्हें ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। रुड़की में ग्रामीणों ने दी सामूहिक पलायन की धमकी, जाने क्या है मामला। छबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णा नगर में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने गली में पलायन का बोर्ड लगा दिया है। इसके साथ ही कुछ मकानों पर यह मकान बिकाऊ है के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर एक हफ्ते के अंदर समाधान नहीं हुआ तो वह बच्चों के साथ अनशन पर बैठेंगे। बागियों की घर वापसी पर बोले हर्ष रावत, कार्यकर्ता करेंगे जिसका स्वागत उसकी होगी एंट्री। बागियों के घर वापसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हर्ष रावत ने एक बार फिर से ट्वीट कर अपनी बात रखी है। हर्ष रावत ने कहा कि कांग्रेस उन्हीं को पार्टी में शामिल कर रही है जिनका स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बाहें भी आगे बढ़ी हुई हैं। पिथौरागढ़ में आवश्यक सामग्री का गहराया संकट, पेट्रोल और रसोई गैस की भी किल्लत। बारिश रुकने के बाद भी पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली सभी सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके चलते जिले में अब जरूरी सामान की किल्लत शुरू होने लगी है। जिले के पेट्रोल पंपों में जहां पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है, तो वहीं सब्जी और गैस जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई भी बाधित हो गई है। देहरादून में कारोबारी ने गोली मारकर की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। पटेल नगर थाना क्षेत्र के ISBT स्थित सेंट जूड स्कूल के पास ब्लैकस्टोन स्पा के मालिक ने खुद को देसी कट्टे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान सतवीर 50 वर्षीय के रूप में हुई है। सतवीर ने स्पा के रिसेप्शन पर खुद को गोली मारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। भवन निर्माण की मांग को लेकर शहीद की पत्नी ने दिया धरना, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। धना डांगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेरीनाग में प्रशासन के द्वारा भवन निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने विरोध दर्ज करने की भी बात कही है। कंजूस माननीय, RTI से बड़ा खुलासा, विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी है उत्तराखंड के माननीय। एक RTI से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के विधायक और मंत्री अपनी निधि खर्च करने में फिसड्डी है। कुछ विधायकों ने तो अपनी विधायक निधि का 60% खर्च की। ग्रेड पे की सौगात, 4600 ग्रेड पे लागू होते ही मालामाल हो जाएंगे पुलिसकर्मी, इतना होगा वेतन। उत्तराखंड में पुलिसकर्मी लंबे समय से सरकार से 4600 ग्रेड पे देने की मांग कर रहे थे। इस मांग को सीएम धामी ने मान लिया है। सीएम धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर यह घोषणा की। ग्रेड पे लागू होते ही उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों की सैलरी में 15,000 से 20,000 तक की वृद्धि होगी। ऋषिकेश, IDPL कॉलोनी की महिलाओं ने GMC की मुलाकात, बदसलूकी का लगाया आरोप। केंद्र सरकार के उपक्रम IDPL फैक्ट्री की करीब 600 एकड़ भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी में रहने वाले किरायेदारों को खाली कराने की तैयारी में फैक्ट्री प्रशासन दिखाई दे रहा है। IDPL के जनरल मैनेजर संजय सिंह गुरुग्राम से ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने 30 दिन के अंदर किरायेदारों से कॉलोनी खाली कराने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। दादमा व्यास घाटी में फंसे सैलानियों को सेना ने चिनूक से किया रेस्क्यू, महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत। उच्च हिमालय इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से गुंजी में फंसे 30 लोगों को गुरुवार को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 15 पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों से हैं। उधर दारमा में भी सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, वहीं आधी कैलाश गए सैलानी की मौत हो गई है। पिथौरागढ़ की आपदा में सीएम धामी की मां भी फंसी, 3 मरीजों के साथ हुआ हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। पिछले 3 दिनों से पिथौरागढ़ जिले का शेष दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से कटा हुआ है। यहां तक कि 50 से ज्यादा आंतरिक मार्ग भी भूस्खलन के चलते जगह जगह बंद है। ऐसे में गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर की मदद से हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। कल 3 मरीजों के साथ ही सीएम धामी की मां को भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया।
पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर पीड़िता पहुंची न्यायालय, मुकदमा दर्ज। एक विवाहिता ने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया, साथ ही जेठ और ननद के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाया। मामले में पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। वहीं न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बर्थडे पार्टी के दौरान सिलेंडर में लगी आग, मचा हड़कंप। राजपुरा क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के कार्यक्रम में रसोई गैस के सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर में आग लगने से किचन का सामान जल राख हो गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय LTC घोटाले की फिर होगी जांच, पुलिस की FR कोर्ट से खारिज। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में LTC घोटाले का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, साथ ही मामले में दोबारा से विवेचना करने का आदेश दिया है। श्रीनगर कोतवाल हरिओम राज चौहान ने कोर्ट का आदेश मिलने की पुष्टि की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।